नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो प्रेडिक्शन है मेष राशि के लिए जनवरी 2016 कैसा रहने वाला है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल की राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में जो चल रहे हैं आपकी राशि से नौवें स्थान में। भाग्य स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। सूर्य का जो ये भ्रमण है भाग्य स्थान में वो 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में भ्रमण करेंगे जो भी आपके लिए बहुत शुभ है। राशि से 10वें स्थान में चलने वाले सूर्य आपके लिए राजयोग कारक बनने वाले हैं। बिजनेस में कैरियर में तरक्की रहेगी। हालांकि 15 जनवरी के बाद प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़े। जो भी जातक हार्ट के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा। बात करेंगे अदर प्लेनेटरी ट्रांजिट के बारे में, तो बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु जो चल रहे हैं आपकी राशि से पंचम स्थान में, जिसके कारण भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, मित्रों से लाभ करने वाले हैं। जन्म के चंद्र के साथ ये गुरु नव पंचम योग करते हैं जिसके कारण मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि बनी रहेगी। हालांकि शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य करने वाले जातकों को अपने कार्य के अंदर विशेष केयर करना होगा। बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, तो बुध जो है वो चल रहा है आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है। बुध रिट्रोगेड हो रहे हैं और बुध वक्री होकर चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर 14 जनवरी 2016 को। तो भाग्य स्थान में चलने वाले बुध जो हैं वो भी आपके लिए शुभ माने जाएंगे। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र जो है वो राशि से अष्टम स्थान में चल रहे हैं, जो भी आपके लिए शुभ है। अष्टम स्थान में शुक्र का भ्रमण शुभ माना गया है, कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाला होता है। और शुक्र का जो भ्रमण है वो धन राशि में हो रहा है 18 जनवरी से। तो भाग्य स्थान में चलने वाले जो शुक्र हैं वो भी आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये मंथ का जो प्रेडिक्शन ऐसा बैठता है कि ये मंथ जो है आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है 15 और 16 को जो चंद्र हैं वो चलेंगे मीन राशि में। तो मीन के जो चंद्र हैं वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और एक अगत्य की ट्रांजिट इस मंथ के अंदर हो रही है, वो राहु और केतु की है। 29 जनवरी 2016 को राहु आपके 6वें स्थान से निकलकर पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे और केतु आपके 12वें स्थान से निकलकर 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे। पंचम स्थान में राहु का भ्रमण जो है वो ज़्यादातर शुभ नहीं माना गया है, खास करके संतान संबंधी सामान्य से चिंता हो सकती है। जो भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिगार्डिंग कार्य कर रहे हैं उनको अपने कार्य के अंदर विशेष केयर करना होगा। हालांकि केतु का जो भ्रमण है वो 11वें स्थान में शुभ माना जाएगा। केतु आपको मित्रों से और बिजनेस में लाभ करने वाले रहेंगे। राहु का जो ये भ्रमण है वो 18 महीना ये राशि के अंदर सिंह राशि में होने वाला है। तो ये था प्रेडिक्शन मेष राशि के लिए जनवरी 2016 का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें चैनल पर, कमेंट्स करें वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।